बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तायर साहब को मुबारकबाद दूंगा, खासतौर पर उनके हौसले की, क्योंकि मैं काफी साल से देख रहा हूं वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह भी हम ऑस्ट्रिच फार्मिंग को पाकिस्तान में, खसूसन सिंध में ले आए, और उस पर वो बड़ी मेहनत भी कर रहे हैं। और इस फार्मिंग के हवाले से मैं थोड़ा सा सोच में डबल माइंडेड जरूर हूं कि ये फार्मिंग अब तक हमारे यहां कामयाब क्यों नहीं हो सकी, और ये फार्मिंग हमारे यहां अब तक आम क्यों नहीं हो सकी, हर बंदे को इसका पता क्यों नहीं है, और शायद उसका जवाब वो कहते हैं ना कि उंगली शायद फिर गवर्नमेंट इदारों की तरफ ही उठेगी, हमारी तरफ ही उठेगी कि हमने उनको सपोर्ट नहीं किया, और जो ऑस्ट्रिच फार्मिंग करना चाह रहे थे फार्मर्स, उनको हमने सपोर्ट नहीं किया। देर आया दुरुस्त आया, कम से कम ये एहसास तो पैदा हुआ कि ऑस्ट्रिच फार्मिंग कितनी इम्पोर्टेंट है और उस पर कितना काम करना चाहिए। जहां तक सिंध गवर्नमेंट का ताल्लुक है तो सिंध गवर्नमेंट आपके साथ है, आप जो छोटे छोटे मसाइल हैं वो आप हमसे रब्ता करते रहे, हम आपको फोकल पर्सन भी देते हैं, मैं एक नहीं दो आपको फोकल पर्सन देता हूं, एक नबी साहब है और दूसरा हमारे डायरेक्टर पोल्ट्री जो है, ये दो मैं आपको फोकल पर्सन देता हूं, आज के बाद हमारी तरफ से ये नोटिफाई हो जाएंगे। और उसके अलावा ऑस्ट्रेच जैसे नबी साहब ने बताया कि उनके डिपार्टमेंट के हवाले से, उसकी हेल्थ के हवाले से हमने पहले उसको नोटिफाई किया हुआ है, लेकिन फार्मिंग के हवाले से एज ए लाइव स्टॉक हम अपने लॉज अपने रूल्स देख लेते हैं, उनमें अगर गुंजाइश है तो हम फौरी तौर पे उसको नोटिफाई कर देते हैं, अगर उनमें गुंजाइश नहीं है तो फिर हम अपने रूल्स उनमें तब्दीली जो है वो रिकमेंड कर देते हैं, वो कैबिनेट में आएगी तो कैबिनेट में मैं खुद बैठ के इंशाल्लाह इसको भी करा लूंगा। फार्मर्स की सपोर्ट होनी चाहिए, चाहे वो फार्मर्स फार्म ओपनिंग के हवाले से हो या फिर सब्सिडीज के हवाले से हो, गवर्नमेंट इदारों में आप प्लान करते हैं और वो चीजें आपकी मुख्तलिफ इदारों में जाती हैं, वहां पे प्रेजेंटेशंस होती हैं, फिर वहां से अप्रूवल लेने होते हैं, उसके बाद जाके फिर आपके डिपार्टमेंट के अंदर और तमाम तर सिंध के डिपार्टमेंट के अंदर, फिर उनमें उन चीज की जो भी आप प्रोग्राम लेके जा रहे हैं उसकी अहमियत को जताना पड़ता है, उसके बाद जाके आपको अप्रूवल मिलता है, आपको कोई बजट मिलती है। तो ये मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम इस पे जरूर प्लान बनाएंगे। मैंने नजीर साहब को भी इसलिए डाला है आपके फोकल पर्सन के हवाले से ताकि आपसे डिस्कस करके हम समझ सकें और आगे कोई ऐसी स्कीम बना सकें जिससे हम अपने फार्मर्स को कोई सब्सिडी दे सकें या फिर उनको असिस्टेंस दे सकें, चाहे वो ट्रेनिंग्स के हवाले से हो, वैक्सीनेशन के हवाले से हो, उनकी फार्म की प्लानिंग के हवाले से हो, फार्म मैनेजमेंट के हवाले से कोई ट्रेनिंग हो, तो ये सारी चीजें हम किस किस सेक्टर में कौन सी काम कर सकते हैं, इन सारी चीजों को हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह ये हम आपकी सपोर्ट करेंगे। कोई फार्मर साहब हैं जो फार्म की ओपनिंग चाहते हैं चंद्रो आदम में, अच्छा आप हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारे इंटीरियर के इलाकों में अगर इसकी फार्मिंग हो रही है तो मैं इंशाल्लाह जरूर टाइम दूंगा और आपके पास मैं जरूर आऊंगा। सेमिनार्स होने चाहिए, सेमिनार्स की मद में जितने कामयाब फार्मर्स हैं उनको मौका दें, उनको सामने लाएं और वो अपनी कामयाबी बताएं कि हमने कहां पे फार्मिंग की और कितना हमने पैसा लगाया, उससे हमने कितना मुनाफा कमाया या फिर कितना मुनाफा हमारा आने वाला है। तो इस तरह के अगर प्रोग्राम हो जाए, लोगों में थोड़ी अवेयरनेस आ जाए
तो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा और मेरा आपको पूरा कंप्लीट उसमें ताल्लुक रहेगा। और मुझे बड़ी खुशी होगी कि ऑस्ट्रिच फार्मिंग भी अगर हमारे पास आ सकती है तो, क्योंकि थोड़ी बहुत जो मैंने स्टडी की, आप सही फरमा रहे हैं कि ऑस्ट्रिच फार्मिंग के हवाले से जो क्लाइमेट चाहिए, जो एटमॉस्फेयर चाहिए, वो सबसे बेहतर पाकिस्तान में अगर है तो वो सिंध में है। और सिंध में इसकी फार्मिंग का बड़ा स्पेस है, हम इसको कर सकते हैं और इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम इसके इन सारी चीजों में आपके साथ हैं और जो हमारा ताउन होगा वो आपके साथ रहेगा। और हम इस पर भी काम करते हैं कि हमें कौन सी स्कीमें बनानी चाहिए, सिर्फ गवर्नमेंट कितना आपके साथ आगे चल सकती है, वैक्सीनेशन की मद में सिंध गवर्नमेंट आपके साथ ताउन करेगी, जितने फार्मर्स बैठे हैं हम उन सबके साथ ताउन करेंगे। और पेमेंट्स के हवाले से भी अगर आप अपने लोग ट्रेन कराना चाहते हो किसी भी फील्ड में, मैनेजमेंट के हवाले से, मतलब दूसरी चीजों के हवाले से, तो उसमें भी हम आपके साथ हैं, आपके लड़के हम फ्री में ट्रेन करके आपको देंगे। हमें लोगों को तमाम तर हकीकतें बतानी चाहिए ताकि जो भी इन्वेस्ट कर रहा हो वो समझ के इन्वेस्ट करे और वो आगे चल के वो कामयाब फार्मर बने। सक्सेस स्टोरी हमारी होनी चाहिए, ना कि हमारी फेल्योर स्टोरी होनी चाहिए, हमारी सक्सेस स्टोरी होनी चाहिए। और मैं एक बार फिर आपको दाद देता हूं आपके हौसले की कि आप मुसलसल तौर पे इस पर मेहनत कर रहे हैं और आप ये बिलीव रखते हैं कि ऑस्ट्रिच फार्मिंग हमारी फार्मिंग में कोई नया इंकलाब ला सकती है, और तो उसमें हम आपके साथ हैं। आप सब लोगों की बड़ी मेहरबानी। थैंक यू।